हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट्स। एब्जॉर्प्शन के अंदर बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर में आ गया, थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी ने जो भी वर्क मैंने लास्ट दो लेक्चर में सीखा उसको हमें रिपीट करना है। एक आध दो पॉइंट होंगे, बाकी पूरा वर्क रिपीट होगा। इसलिए आपके माइंड में एक वस्तु क्लियर होनी चाहिए, आगे दो लेक्चर में बोला था एमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो, आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। वी हैव टू पार्टी, परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी। परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री एंड बैलेंस शीट, वेंडर कंपनी की बुक में 5-7 अकाउंट्स। अब आपको याद ही रखना है बच्चों, परचेजर की बुक में आपको मांगा हुआ या वेंडर की बुक में, सबसे पहले आपको परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी जरूरी है। तो वेंडर कंपनी हो या परचेजिंग कंपनी, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम परचेजिंग कंपनी या वेंडर कंपनी के लिए सबसे पहले परचेज प्राइस और नेट असेट्स गिनेंगे। चलो रेडी, टेक्स्ट बुक ले लो, उसके बुक ले लो और कैलकुलेटर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? जो बच्चे बाय चांस ऑफलाइन लेक्चर ना अटेंड कर पाए उनके लिए स्पेशल बनाया है, तो वो लोग खास देख लेना, ठीक है? पेज नंबर 357, क्वेश्चन नंबर 7, द बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ सागर आंसर ही था, दो बैलेंस शीट है बच्चों। अब तक आपने देखा होगा एक ही बैलेंस शीट थी, दो सब में वेंडर वाली, अब इसमें दो बैलेंस शीट है। पैराग्राफ में सरिता लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय सागर, सरिता को किसने एब्जॉर्ब किया, सागर ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बच्चों, परचेजर का नाम सागर और वेंडर का नाम सरिता, ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी। सम नंबर है 7, होमवर्क में 18, इलुस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 357। और बच्चों ऑनलाइन लेक्चर के अंदर आप जो लिंक होगी उसके नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ कॉपी रखी हुई है, जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? चल, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, सागर परचेज करने वाला है, सरिता बिजनेस बेचने वाली है। पॉइंट नंबर 1, ऑल द असेट्स एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज ऑफ सरिता आर टेकन बाय सागर, यानी सागर कंपनी मात्र इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। बैलेंस शीट में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसे चौकड़ी मार दो, पॉइंट आउट कर दो। सेकंड पॉइंट, असेट्स ऑफ सरिता आर वैल्यूड एज अंडर लैंड बिल्डिंग 9 लाख, वाटर कार 180, स्टॉक 324, डेटर 5% डिस्काउंट। तीसरा पॉइंट बच्चों, गजब पॉइंट, डिबेंचर का है, वो मैं आपको वर्किंग के साथ समझाऊंगा। चौथे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है परचेज प्राइस, ध्यान देना मित्र। 4 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच विल बी इश्यूड बाय सागर लिमिटेड एट पार अगेंस्ट 5 इक्विटी शेयर ऑफ सरिता। सागर लिमिटेड विल पे 30 रुपीज इन कैश, ये पेमेंट का पूरा पोर्शन है बच्चों, कंपनी शेयर आपसे एंड कैश आपसे। पांच नंबर का पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंस 18,000 ऑफ सरिता लिमिटेड एब्जॉर्ब एंड बोर्न बाय सागर। लिक्विडेशन एक्सपेंस पहली बार नई कंपनी पेड करेगी। पैराग्राफ, सरिता लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 67,500, सरिता ने इन्वेस्टमेंट 67,500 में बेचे। पैराग्राफ में प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सरिता, यानी बच्चों मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में समझाया था वेंडर की बुक में अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यस यहां बैलेंस शीट मांगा बच्चों, एंट्री नहीं मांगी है, फिर भी मैं आपको जो जरूरी होगा एंट्री और सब करवाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले परचेज प्राइस का कैलकुलेशन, और उसके लिए आप देख सकते हो एडजस्टमेंट नंबर 4। चलो मैं तो रीडिंग करो, ध्यान रखो, 4 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच विल बी इश्यूड बाय सागर एट पार अगेंस्ट 5 इक्विटी शेयर ऑफ सरिता। तो सबसे पहले परचेज प्राइस में नई कंपनी देगी इक्विटी का भी, कैसे देगी, 4 शेयर देने हैं अगेंस्ट 5, तो कौन ऐसे रहोगे, सरिता ने 5 शेयर है उसके सामने 4 शेयर, तो बैलेंस शीट में से सरिता के टोटल शेयर कितने हैं, तो टोटल 9 लाख है, उसको 100 से डिवाइड करो, सरिता के शेयर लेने 9 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 9000 इक्विटी शेयर पे हाउ मच करो मित्र, 7200, यस, 5 वाले को 4, इंग्लिश में सेंटेंस उल्टा करना, 5 नए शेयर, 5 शेयर पुराने उसके सामने नए 4 शेयर, तो पुराने 9000 के सामने हाउ मच कितने हैं मित्र, 7200, यस 7200 इक्विटी शेयर, और फेस वैल्यू उसकी आई थिंक 100 रुपीज, यस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 120,000 रुपीज। सेकंड पॉइंट, उसके अंदर बोला बच्चों रुपीज 30 इन कैश फॉर एवरी इक्विटी शेयर इन सरिता, सरिता के अंदर 30 रुपए कैश देना है एवरी शेयर, बैलेंस शीट में सरिता के टोटल शेयर कितना है,
9000 शेयर पर शेयर कितना कैश देना है 30 rupees मल्टीप्लाई करो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड टोटल कीजिए ये हो गया आपका परचेज प्राइस 9,90,000 यस कोई प्रॉब्लम हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बच्चों तो ये जो मेथड है इसे आप नाम दे सकते हो कंसीडरेशन मेथड आने के बाद बड़ा को अवेज पद्धति कोई प्रॉब्लम नहीं देखते जाओ अब आपके सामने मैं सेकंड स्टेप कैलकुलेट करने जा रहा हूं जिसका हेडिंग है नेट असेट्स आंसर नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स और आप जब भी नेट असेट्स गिनते हैं बच्चों आप सबको नेट असेट्स का स्लोगन पता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी पर उसमें बच्चों याद रखना है जो असेट्स का नया प्राइस हो उसके लिए हमें न्यू प्राइस देना है और जिसमें कोई सूचना ना हो उसको बैलेंस शीट में से पिक करना है चलो ध्यान अंदर एडजस्टमेंट नंबर टू यहाँ प्राइसेस दिया हुआ बीजा वाला लैंड बिल्डिंग जिसकी नई प्राइस है वैल्यू है आई थिंक 9,00,000 rupees यस सेकेंड है बच्चों मोटर कार जिसकी नई प्राइस है 1,80,000 एडजस्टमेंट टू में रेडी कर रहा हूँ बच्चों आप लोग अंदर देखते जाना उसके बाद स्टॉक बीजो वालो जिसकी प्राइस है 3,24,000 और उसके बाद है डेटर जिसमें 5% डिस्काउंट है मतलब बैलेंस शीट में से डेटर बोलो 2,70,000 यस बैलेंस शीट में डेटर है 270 उसमें से 5% डिस्काउंट माइनस करो 13,500 यस 2,56,500 यस ये हो गया बच्चों आपका न्यू अमाउंट ऑफ डेटर और उसके बाद बच्चों कोई एडजस्टमेंट असेट्स का नहीं है तो मैं बैलेंस शीट चेक करूं बैलेंस शीट मित्र लैंड बिल्डिंग हो गया मशीनरी नहीं आएगा देखो ये मशीनरी है नहीं मोटर कार हो गया उसके बाद गुडविल वो मैंने ही ढूंढनी है इन्वेस्टमेंट वो मैंने किया लेना नहीं है अंडरराइटिंग कमीशन प्रीमियम एक्सपेंस वो असेट्स नहीं है स्टॉक 360 वो आ गया फिर डेटर आ गया कैश एंड बैंक बैलेंस हाँ वो बाकी है कैसे अब बैंक बैलेंस आएगा बच्चों आई थिंक 45 अच्छा ही कैलकुलेटर से टोटल 17,05,500 is the magical figure of the year. अब बच्चों मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ लायबिलिटीज का बराबर ध्यान से देखना लेस लायबिलिटीज थोड़ी जगह बचा रहा हूँ बच्चों जिससे बैलेंस शीट जो मांगे उस तरफ आ जाए ठीक है चलो लायबिलिटी के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में खाली क्रेडिटर है पहले वो ले लेता हूँ मैं 180 ठीक है और उसके बाद बच्चों डिबेंचर के अंदर जो अद्भुत पॉइंट है मैं समझाने जा रहा हूँ 10% डिबेंचर की बुक वैल्यू है 540 ये लिखा ठीक है अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीजोवर ध्यान देना अंदर बच्चों 10% डिबेंचर ऑफ सरिता टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यूइंग 12% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम भी आप पर डिस्काउंट प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों है तो बच्चों ये अद्भुत पॉइंट है 90% की चलो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं उसमें बच्चे खास तो सबसे पहले ओल्ड डिबेंचर लिखो उसमें 10% प्रीमियम हो रहा है 10% प्रीमियम ऐड कर दो 54,000 ऐड करो 5,94,000 ये हो गई आपकी नई प्राइस 594 क्लियर पहले क्या करना है बुक वैल्यू ली उसमें डिस्काउंट ऐड किया वैल्यू प्रीमियम ऐड किया बाहर रख दी अब इसको कैसे इश्यू करना है न्यू 12% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट अब इसके लिए देखो बच्चों ये नई बैलेंस शीट कैसे होगी इसको कैसे गिना जाता है सपोज डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 उसमें 10% डिस्काउंट लेंगे 10 वैल्यू कितनी आई 90 पे 5,94,000 विदाउट डिस्काउंट है तो 100 पे हाउ मच 6,60,000 90 पे 594 तो 100 है हो जाएगा डिस्काउंट है इसमें बोलो 6,60,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लायबिलिटीज डिबेंचर वैल्यू मतलब चलो अब बच्चों ये जो लायबिलिटीज की वैल्यू है इसका टोटल कर दें टोटल करो मित्र 7,74,000 अब बच्चों ये रही असेट्स ये रही लायबिलिटी देखने में दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ नेट असेट्स नेट असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज करो मित्र 9,31,500 is the magical figure of net assets.
ऑनलाइन बच्चों जो लिमिटेशन से बोर्ड की उसके कारण थोड़ा आगे पीछे लिख रहा हूं मैं। अब थर्ड स्टेप, आपने परचेज प्राइस का पेमेंट किया है 990, नेट असेट्स 931,500। अगर असेट ज्यादा हो बच्चों या परचेज प्राइस ज्यादा हो तो कोई भी एक पॉइंट ऑफ याद रखो, परचेज प्राइस ज्यादा हो इससे तो हमेशा मिलेगा गुडविल, परचेज प्राइस कम हो तो मिलेगा कैपिटल रिजर्व। तो थर्ड नंबर में गुडविल का फॉर्मूला होगा परचेज प्राइस माइनस नेट असेट्स। परचेज प्राइस है 990, नेट असेट्स है 931,500, डिफरेंस दो मित्र 58,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। ये हो गया बच्चों परचेजिंग कंपनी या वेंडर कंपनी, कोई भी कंपनी में आपको काम करना हो तो स्टेप नंबर वन परचेज प्राइस, स्टेप नंबर टू असेट्स एंड लायबिलिटी और स्टेप नंबर थ्री गुडविल। अब बच्चों उन्होंने परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री नहीं मांगी, अगर एंट्री मांगी हो तो कैसे होगा आपको परिचय दे देता हूं, उसमें एंट्री लिखवा देना बच्चों मांगे नहीं है, ठीक है। पहला एंट्री, व्हेन परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट, परचेज प्राइस की एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड 992 लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। सेकंड एंट्री, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड 17,05,500, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 58,500 टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज अकाउंट। थर्ड एंट्री, परचेज प्राइस का पेमेंट लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिटेड 992 कैपिटल टू कैश, क्लियर। उसके बाद बच्चों मैं आपके सामने बैलेंस शीट बताने जा रहा हूं, बैलेंस शीट के अंदर मैं थोड़ा ध्यान देना होगा कारण आज आपके पास दो कंपनी के बैलेंस शीट है, ठीक है, बराबर ध्यान देना। बैलेंस शीट बनाते समय नियम, आप जब बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो बच्चों तो जो भी परचेजिंग कंपनी है सागर, यस परचेजिंग कंपनी का नाम देखो उसका सब कुछ बैलेंस शीट में, वेंडर कंपनी का वर्किंग में से सागर हो बैलेंस शीट मान, वेंडर कंपनी वर्किंग सागर की कॉलम फ्रीज ऐसा वर्ड याद रखना, ठीक है। चलो सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहला हेडिंग, चलो बच्चों पुराना बैलेंस शीट आपको सामने रखना है, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले इक्विटी कैपिटल, उसमें सागर कंपनी परचेजर है तो उसकी बैलेंस शीट में से बोलो बैलेंस शीट में है 27 लाख और सरिता कंपनी है उसको आपने परचेज प्राइस में नया कैपिटल दिया, ये रहा बच्चों को यहां से लेना है 720, टोटल करो तो कितना 34,20,000, यस 34,20,000। चलो उसके बाद बच्चों बी रिजर्व, और रिजर्व के अंदर आपको याद रखना है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, पर सिक्योरिटी प्रीमियम मात्र सरिता में आपके कैलकुलेशन में लिया है तो नहीं आएगा। जनरल रिजर्व जीआर किसका आएगा बच्चों, खाली सागर का, क्यों आपने वर्किंग में नहीं लिया, बैलेंस शीट में सागर का जीआर बोलो 4 लाख। उसके बाद बच्चों पीएनएल अकाउंट, वो भी किसका आएगा, सागर, कहां से लोगे बैलेंस शीट में वैल्यू बोलो 80,000। हां हमने सरिता का क्यों नहीं लिया, जब सरिता का यहां लिया हमने एसेट लायबिलिटी में, सरिता को दो बोर्ड कर दिया रिटायर का, ओके। चलो उसके बाद सेकंड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डेंजरस डिबेंचर, अब यहां ध्यान देना बच्चों सागर का है, सागर का हो तो बैलेंस शीट में से नहीं है, सरिता का नेट एसेट में से, ये रहा देखो अंदर की वैल्यू नहीं बच्चों, अंदर की वैल्यू ये रहा 6,60,000, ये डब्बा, ये खास ध्यान रखना है डिस्काउंट के पहले की वैल्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों तीन नंबर में करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेबल, जिसमें डेंजरस क्रेडिटर, अब आप देख सकते हो क्रेडिटर लिया हमने, हाँ वेंडर का क्रेडिटर कितना है बच्चों 180 और हमारा क्रेडिटर कितना है 420, या दोनों का ले लो बोथ, दोनों क्रेडिटर का टोटल बोलो 420 प्लस 180 6, 420 प्लस 180 6 लाख। अब ये आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, टोटल नीचे मिल कर 51,60,000 आंसर चेक करो, मैं चेक कर रहा हूं बच्चों, ये आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल आ गया, ध्यान देना। अब बारी है असेट्स की, असेट्स में फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, ठीक है, उसके अंदर ए फिक्स्ड असेट्स और फिक्स में सबसे पहले लैंड बिल्डिंग लैंड, अब इसके अंदर सबसे पहले सागर की बैलेंस शीट में से, सागर की बैलेंस शीट में से लैंड बोलो 690, सरिता की, सरिता की कहां से लोगे तो सरिता की नेट असेट्स में से, ये रही 9, न्यू प्राइस टोटल करो
15 लाख 90 थाउजेंड। उसके बाद आएगा बच्चों मशीनरी। मशीनरी के अंदर मात्र सागर की है तो बैलेंस शीट में सीधी सागर की बोलो 8 लाख 10 थाउजेंड सही है, है? जी? चलो मशीनरी मात्र सागर के लिए 8 10 सरिता में है नहीं। उसके बाद है मोटर का। चलो इस तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों, अब जगह कम है मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान रखना मोटर का। मोटर का बोलो मोटर कार है मात्र सरिता में, कितने मिली मोटर कार? ये रही 180 में नई प्राइस, सरिता न्यू प्राइस 180। कंटिन्यू विद दिस स्टॉप नहीं। उसके बाद गुडविल, गुडविल हमें नहीं लेनी है, गुडविल बोलो 5800। यस गुडविल के अंदर बच्चों पुरानी गुडविल कंसीडर नहीं करनी है, न्यू वाली कितनी गुडविल है ध्यान ध्यान से देखो, ये रही 58500। अटको अब जैसे बच्चों ये गुडविल लिखी, अब मुझे जगह कम करके आपको लाइन भी सिखानी होगी, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 5 मैं रीडिंग कर रहा हूँ, लिक्विडेशन एक्सपेंस 18,000 ऑफ सरिता लिमिटेड आर बोर्न बाय सागर। तो जब कोई वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस हो बच्चों और नई कंपनी पेमेंट करे तो उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बच्चों मैं थोड़ी जगह कर रहा हूँ आपके लिए, ये निकाल के आप लोग पोस्ट करके वीडियो नोटिंग कर लेना, ठीक है? क्योंकि एंट्री ना लिखो तो आपको समझ नहीं आएगा। या मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चों बैलेंस शीट का ये पार्ट को इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आ सके, ठीक है? ध्यान देना रहा हूँ कि मैं एसेट्स वाला पार्ट निकाल देता हूँ बच्चों, बोर्ड पर जो लिमिटेशन है उसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। चलो यार इस तरफ हमें बैलेंस शीट का जो पार्ट बाकी है उसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? चलो उसके बाद मोटर का लिया ना हमने, मोटर का सरिता की न्यू बोलो 180। उसके बाद दिया था हमने बी गुडविल, अब गुडविल नया वाला न्यू आपने कितना फाइन किया, ये रहा 58500। अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट है, जब लिक्विडेशन एक्सपेंस पर होता है उसमें ये दिखा देता हूं, देखो नॉट लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय परचेजिंग कंपनी, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों परचेजिंग कंपनी पेमेंट एज ट्रीटेड एज अ गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 18,000 18,000 क्लियर? जो नवी कंपनी चुप है तो गुडविल कैश, पुरानी कंपनी पेमेंट करे तो रियलाइजेशन, तो कैसे याद रखना, तो इसके अंदर ऐड होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 18,000 ऐड करो तो क्या 76,500। चल उसके बाद मैं कह रहा हूं बच्चों आई थिंक बाकी जो भी असेट्स वो देख ले। चलो उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो तो हमने लिए नहीं लिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट में याद रखना होगा सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने वेंडर का नहीं लिया, तो खाली किसके आएंगे सागर के, कहां से लोगे बैलेंस शीट में से बोलो 280, ठीक है? चलो उसके बाद बचा बच्चों सेकंड करंट एसेट, सब जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ स्टॉक वैल्यू बोलो, स्टॉक की वैल्यू हाँ सागर की 820 और सरिता की 924 11,44,000 अब कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए बच्चों मैं नोटिंग कर देता हूँ, नोट में मैं दिखाना होगा, ठीक है? नोट से आपका आंसर आ जाएगा, मैं जगा रही हूँ मित्रों, यहाँ आपका टोटल एग्जैक्ट 5160 मिलेगा। अब यहाँ कैश बैलेंस का मैं नोटिंग करूँ यहाँ इस तरफ। चलो सबसे पहले कैश और बैंक के अंदर आपको क्या करना है, सागर की कैश बोलो सागर की कैश है 540, सरिता का लिया आपने 45, हाँ सरिता का 45 टोटल करो दे दो 585। अब उसमें से परचेज प्राइस में आपने कितना पेमेंट किया कैश में, वो ऊपर लिखा हुआ है 270 और लिक्विडेशन एक्सपेंस में कितना पेमेंट किया 18 माइनस कर दो 297,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैश, टोटल मैच करो आ जाता है। अब क्या बाकी है इसका, हां अब बच्चों यहां देखो तुरंत इतना ध्यान रखा क्लास में मदद आप लोग बोलते भैया लिखित मदद में तो आपका ध्यान देना चाहिए, डिबेंचर डिस्काउंट का पॉइंट है,
अब यार जगह की कमी है, बच्चों को डिबेंचर डिस्काउंट में इसको रब करके यहाँ ऊपर डाल देता हूँ, देख लो ठीक है। डिबेंचर डिस्काउंट आपको डी पॉइंट में लेना होगा, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इससे सम पूरा हो जाए। डिबेंचर डिस्काउंट कितना मित्र? 66,000। यस, ये अगर भूल गए बच्चों तो मार्क कट है, ठीक है, टोटल मैच नहीं होगा। बैलेंस शीट में डिबेंचर यहाँ डिस्काउंट के साथ, और उसका डिस्काउंट असेट साइड सी पॉइंट में आपको लिख देना है, ठीक है, अदर नॉन करंट असेट, ठीक है। डिबेंचर डिस्काउंट आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, अदर नॉन करंट असेट्स, क्लियर। ये हो गया बच्चों आपका परचेजिंग कंपनी की बुक में बैलेंस शीट, नया फंड आया गुडविल टू कैश एंट्री, और दो बैलेंस शीट के कारण देख सकते हो बोर्ड पे इतनी जगह कम पड़ी हुई, पूरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है बच्चों। और आप लोग आराम से वीडियो पोस्ट करके लिख देना कैश की नॉट, और ये बैलेंस शीट मैंने इस तरफ कंटिन्यू किया जिससे आपको लॉस ना हो। अब बच्चों इसको कंप्लीट करने के बाद हम लेने जा रहे हैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंट, जो एकदम इजी वे पे आगे बढ़ेगा। चलो जॉब हम लेने जा रहे हैं सरिता वेंडर कंपनी की बुक्स में पांच अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट 10 लाइन, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाइन, बाकी सारे सरिता लिमिटेड, सॉरी सरिता की जगह पे नाम आएगा सागर लिमिटेड, सागर लिमिटेड परचेजिंग कंपनी अकाउंट, परचेजिंग लिख देता हूं मैं। उसके बाद सागर लिमिटेड इक्विटी शेयर एंड कैश रखें, ठीक है। पांच स्टेप बच्चों याद रखना, वेंडर के रूप में क्या किया मैंने आपको, पांच स्टेप समझा। स्टेप नंबर वन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट हो गया, स्टेप नंबर टू ट्रांसफर फुल बैलेंस शीट, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट डिटो टू डिटो सेम फ्रॉम बुक वैल्यू ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन, और शेयर होल्डर में सारी एसेट्स रियलाइजेशन डेबिट, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट, इक्विटी कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर में जमा साइड, लॉसेस या खर्च शेयर होल्डर को उधार साइड। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना खाली सागर की कॉलम पकड़ लियो बच्चों, डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट अंडरलाइन यहां बाय सन्ड्री लायबिलिटी। अब मैं एक एक असेट ठीक कर रहा हूं बच्चों, बैलेंस शीट में असेट साइड। चलो सबसे पहले लैंड बोलो 720, पुरानी प्राइस ले लिया मैं। उसके बाद मशीनरी नहीं है, कार बोलो, मोटर कार 135, मोटर कार बच्चों 135। उसके बाद है बच्चों गुडविल लेने की, हाँ इसमें ऑल असेट याद रखना पुरानी गुडविल कंसीडर होती है 135। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मना किया है इसलिए उसे इसकी निशानी करनी है बच्चों पर, इन्वेस्टमेंट में टेक ओवर करना है। यस, नई कंपनी ले लेते, पुरानी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन क्रेडिट एक्सपेंस लॉस है, किसे देंगे, मालिक को, वो नीचे लिखेंगे लास्ट में। स्टॉक ले लो, स्टॉक का खर्च है बच्चों 3,60,000 सब बुक वैल्यू, हाँ। उसके बाद डेटर बोलो 270। उसके बाद है बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस, ले लिया कैश एंड बैंक, हाँ वो भी ले लो 45। टोटल करो 17,55,000। अगर कैश और बैंक टेक ओवर ना करे तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिखना है, जो आज ले लेते हैं इसके डेस्क, इसकी एंट्री बोलिए मित्रों मुझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, बद्दीज एसेट्स, खाली इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं लेती है, नहीं कंपनी इसके उसे स्टार्ट किया। अब लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज में मेरा ध्यान जा रहा है 10% डिबेंचर पुराने वाले, हाँ वैल्यू बोलो 540। उसके बाद डेंजरस क्रेडिट है, वैल्यू बोलो 180। टोटल बोलो 720। यस, ये हो गया लायबिलिटी ऑन क्रेडिट साइड, इसकी एंट्री बोलिए तो मित्रों सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। अब बच्चों लायबिलिटी साइड है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी होल्डर के अकाउंट में ले जाओ इक्विटी कैपिटल 9,00,000। उसके बाद कोई भी रिजर्व जरूर है, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो 90,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व, यस YGL वैल्यू 67,500। उसके बाद RPNL वैल्यू 22,500। सब मालिक को देना है, अब रिजर्व और प्रॉफिट मालिक को दिया बच्चों, तो लॉसिंग दे देना है। वैसे कर देखो अदर नॉन करंट में अंडरराइटिंग कमीशन ले लो, टू अंडरराइटिंग कमीशन वैल्यू 30,000। और उसके बाद टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वैल्यू बोलो 15,000। असेट्स ऑन डेबिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट, रिजर्व एंड कैपिटल क्रेडिट, और लॉसेस डेबिट। ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर वन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, स्टेप नंबर टू कंप्लीटेड बैलेंस शीट, स्टेप नंबर थ्री अब बच्चों लिख के कराऊंगा,
two entries for purchase price. पहली एंट्री बोलो when purchase price due, जिसकी एंट्री होगी बच्चों सागर, परचेज प्राइस देगा सागर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू है परचेज प्राइस की 9,90,000. ये बच्चों आगे आपने गिनती किया हुआ है तो वीडियो पोस्ट करते हुए आपको नोटिंग करना है. सेकंड एंट्री व्हेन परचेज प्राइस पेड, बोलो वेंडर कंपनी ने क्या क्या पेमेंट किया है, तो यहाँ एंट्री करोगे बच्चों आप एस लिमिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 7,20,000. एस लिमिटेड ने कैश दी, कैश अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू एस लिमिटेड अकाउंट 9,90. ये हो गए बच्चों आपकी दो आउटस्टैंडिंग एंट्री. आप देख सकते हो बोर्ड पे कैसे वर्क किया है. अब सबसे पहले एंट्री एस लिमिटेड अकाउंट में डेबिट साइन, सागर के अकाउंट में डेबिट साइन 990, ऑपोजिट नेम टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज प्राइस, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय एस लिमिटेड, ब्रैकेट में परचेज प्राइस 990. किसी को डाउट है, ये हो गया बच्चों आपका एंट्री नंबर वन. सेकंड एंट्री एस लिमिटेड शेयर में डेबिट साइड 720, ऑपोजिट नेम एस लिमिटेड अथवा परचेजिंग कंपनी ऐसा लिख सकते हो, कैश में डेबिट साइड टू एस लिमिटेड अकाउंट, वैल्यू 2,70,000. और अब बच्चों सेकंड में एस लिमिटेड में क्रेडिट साइड बाय इक्विटी शेयर ने बाय कैश 720 अने 270. पहला अकाउंट बंद हुआ बच्चों हमेशा परचेजिंग कंपनी का. रीजन क्या है, डेबिट साइड परचेज प्राइस, क्रेडिट साइड उसका डिस्ट्रीब्यूशन. ये हुआ बच्चों आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस. अब बच्चों इसके बाद हमें चौथे स्टेप पे जाना है. क्लियर हो गया, सबसे पहले ये अकाउंट बंद होगा बच्चों, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया. ठीक है, अब मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों एक सेकंड, तो आपको पूरा स्क्रीन दिखे. आप लोग वीडियो पोस्ट करो और पोस्ट करके इतने स्टेप उतारो, जैसे क्लास में काम करते हो वैसे ही करो बच्चों, मजा आएगा. ठीक है, काटू काम को भी बढ़ा दो, साइड में जो वीडियो पोस्ट करें मुझे लाखी ना मिले ऐसा राखो. चलो उसके बाद स्टेप नंबर 4, कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज ना लोगों से डिस्कस करना है. कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी, हाँ डेंजरस इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मेरा टेक्स्ट बुक में दिया जा रहा है एडजस्टमेंट 5 के नीचे. सरिता लिमिटेड सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन 67.8 व्हेन इन्वेस्टमेंट not taken by new company sold by vendor. जब नई कंपनी को हमारे इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है बच्चों तो इन्वेस्टमेंट हमने बेचे, कितने में बेचे 67.8 बेचे, तो क्या मिलेगा कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 67,500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बच्चों टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन में से इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट कार्ड गोज आउट, पोस्टिंग देखो कैश में उधार साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,500. ठीक है, अब बच्चों मैं रिकॉर्डिंग करते सॉरी ए सी बंद कर देता हूँ, थोड़ा ठंडा लग रही है. यस, अब बच्चों सेकंड एंट्री रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट सोल्ड 67,500. ठीक है, चलो अब बच्चों क्लोजिंग टाइम और कोई एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंस एंट्री था सर, रियलाइजेशन में नहीं रहे. क्यों, लिक्विडेशन एक्सपेंस नई कंपनी ने पेमेंट किया तो उसकी एंट्री नई कंपनी के बैलेंस शीट में कर दिया था, यहाँ नहीं. तो अब क्लोजिंग सेरेमनी, सबसे पहले ये दो अकाउंट बंद करो, दो नंबर में ये बंद होगा, तीन नंबर में ये टोटल किया 720, डिफरेंस निकालेंगे सेम आएगा. यस, राउंड किया और इक्विटी शेयर के लिए हकदार है इक्विटी शेयर होल्डर बाय इक्विटी होल्डर अकाउंट, इक्विटी होल्डर में डेबिट साइड टू एस लिमिटेड इक्विटी शेयर वैल्यू 720. ये लिखा, आगे जाते हैं कैश और बैंक बंद करो 3,37,500 डिफरेंस निकालो, सेम डिफरेंस कहां जाएगा, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर को देना है इक्विटी होल्डर अकाउंट
3375 इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड टू कैश 3375। अब बच्चों में लास्ट में बंद करने जा रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा मित्र टोटल ज्यादा हो रहा है क्रेडिट क्रेडिट सर बोलिए 17,77,500 यस एक्सलेंट डिफरेंस निकालिए 22,500। अब ये जो आया बच्चों अगर डेबिट साइड डिफरेंस में रियलाइजेशन में तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट क्रेडिट साइड में तो लॉस कोई भी साइड अपना ले जाओगे इक्विटी शेयर होल्डर में तो इक्विटी शेयर होल्डर ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट इक्विटी होल्डर में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। अब बच्चों अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो समय बोलिए मित्र 11,2,500 दोनों तरफ हो रहा है यस ये हो गया बच्चों आपका सबसे लंबा सम मेरे कहते सागर सरिता वन ऑफ द बेस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन फॉर वर्किंग इस प्रकार के सम बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसमें याद क्या रखना है आपको जब आप वेंडर की बुक में अकाउंट लिखो तो सब कुछ बैलेंस शीट में से मैंने डिटो डिटो बैलेंस शीट में और परचेसिंग कंपनी में नॉट इनकल तो सब कुछ नया और परचेसिंग कंपनी के बैलेंस शीट में परचेजर का कॉलम फ्रीज यानी बद्दू बैलेंस शीट वेंडर वर्किंग वाली और वेंडर की बुक में सब कुछ बैलेंस शीट में से बुक बैलेंस ठीक है पांच स्टेप अब पांच स्टेप याद रखो बच्चों सिंपली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इक्वल था है तो सम करेक्ट। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका दूसरा पड़ाव स्टार्ट होगा पहले पड़ाव के तीन सॉलिड सम हो गए और दूसरे पड़ाव में बच्चों एक पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू जो सेकंड ईयर बीकॉम में आप गुडविल और वैल्यूएशन उसे में पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला होता है नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब नेक्स्ट में परचेसिंग कंपनी परचेस प्राइस का पेमेंट करते समय इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड यूज करती है तो उसका बच्चों कैसे कैलकुलेशन होता है आपको देखना है एकदम आराम से वीडियो पोस्ट करके लिखना बच्चों वर्ड की लिमिटेशन होती है वीडियो में पर पूरा ट्राई किया सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। ये तीन सम के बाजू में आपको दो सम होमवर्क में दिया इसके बाजू में 18 और लास्ट में आपको दिया था 13 आशा रखते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा याद रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे विद इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट। ऑल द बेस्ट जय माता दी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।